हेलो एवरीवन, आई एम सनी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CTRM की काइनेमेटिक्स के। आज के इस लेक्चर में हमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या गिवन है। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये किसी ट्रक का व्हील है, ठीक है। इस व्हील की रेडियस r गिवन है, ठीक है। और मान लो ट्रक इस डायरेक्शन में VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ट्रक के व्हील का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा, ठीक है। और ऐसा गिवन है ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करेगा। व्हील परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। मतलब ये व्हील इस ग्राउंड पे कुछ ऐसे चलेगा, ठीक, आगे की तरफ। तो अगर मैं चींटी बनकर इस व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मुझे इस व्हील का केवल रोटेशनल मोशन ही नजर आएगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, सही बात है। तो अब देखो ये व्हील प्योर रोलिंग करेगा इस ग्राउंड पे ऐसे आगे की तरफ, बिल्कुल करेगा। और व्हील का सेंटर ऑफ मास VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चलेगा, ठीक है। या मतलब ये व्हील जिस भी ट्रक का है वो ट्रक VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है। और ऐसा गिवन है ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करेगा, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही तो होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन ऑन ग्राउंड, प्योर रोलिंग कंडीशन ऑन ग्राउंड, यही तो होगी, ठीक है। तो अब देखो मान लो इस व्हील पे एक मार्क्ड पॉइंट है P, ठीक है। T इज इक्वल टू जीरो पे व्हील यहां पे है, ठीक है, और ये P मार्क्ड पॉइंट है ऑन व्हील, और ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करेगा। मतलब ये व्हील आगे की तरफ ऐसे चलेगा इस ग्राउंड पे, तो एक बीच में ये स्टेज भी आएगी, मतलब बहुत सारी स्टेज आएंगी, मैं कुछ स्टेज को बना रहा हूं बस, और एक ये भी स्टेज आएगी, ठीक है। पी पॉइंट कुछ यहां पे पहुंचा होगा, और मान लो यहां पे पी पॉइंट टॉप पे पहुंचा होगा, ठीक है। प्योर रोलिंग करेगा आगे ये, तो एक स्टेज कुछ ये आएगी, ठीक है, तो पी पॉइंट कुछ यहां पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो एक स्टेज कुछ ये आएगी, पी पॉइंट अगेन बॉटम पे पहुंच गया। तो इस पी पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री देखो बहुत खूबसूरत ट्रेजेक्ट्री है पी पॉइंट की, ठीक है। ये जो पी पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री होगी ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पी पॉइंट, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोइड, ठीक है। तो अब देखो मेरा पी पॉइंट अगेन बॉटम पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक इस व्हील ने एक रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो जब व्हील यहां पे पहुंचा होगा इस पोजीशन पे, तो स्टॉपवॉच में टाइम कितना होगा, 2π/ω, क्योंकि यहां से यहां तक व्हील ने वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है। और देखो अगर हम व्हील के सेंटर ऑफ मास पे चींटी बनकर बैठ जाए तो हमें व्हील का केवल प्योर रोटेशनल मोशन नजर आएगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो जब ये व्हील
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा तो कितना टाइम लेगा, 2π/ω, सही बात है। और जब ये व्हील यहां पे पहुंचा हुआ ना, तो यहां पे भी व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM होगी कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा होगी, अगेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब व्हील ने वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है, कितना टाइम लिया, 2π/ω ऑब्वियसली। तो इतने में ये व्हील आगे की तरफ कितना चला, या व्हील का सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ कितना चला, इतना चला, सही बात है। ये मैं निकाल सकता हूं, देखो व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है VCM, तो जब मेरा व्हील वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा और कितना टाइम लेगा, 2π/ω, इतने में व्हील कितना आगे चला, इतना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं डायरेक्टली स्पीड इंटू में टाइम से, VCM इंटू में टाइम 2π/ω, और VCM किसके बराबर है, R ओमेगा के बराबर, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो ये देखो कितनी आ गई, 2πr आ गई, ठीक है। तो जब मेरा व्हील वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा, तो इतने में व्हील आगे की तरफ कितना चला, 2πr, या व्हील का सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ कितना चला, 2πr। और देखो ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री ये होगी, बड़ी अजीब ट्रेजेक्ट्री होती है, इस ट्रेजेक्ट्री का नाम क्या होगा, साइक्लोइड। तो जब मेरा व्हील वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा और कितना टाइम लेगा, 2π/ω, तो इतने में इस पी पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब ये पाथ लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। व्हेन व्हील कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट पी, ठीक है, मतलब ये पाथ लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। और जो कि मैं ये पाथ लेंथ मान लो एस मान रहा हूं, तो ये एस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं एक इंटरमीडिएट पोजीशन बनाने जा रहा हूं, इन दो पोजीशंस के बीच में कोई भी हो सकती है वो इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। तो ये मेरा व्हील हो गया और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो देखो ये व्हील का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट VCM, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, व्हील क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, सही बात है। और मान लो ये इंटरमीडिएट पोजीशन है एट t=t पे, तो देखो ये P पॉइंट कुछ यहां पे पहुंच चुका होगा एट t=t इंस्टेंट पे, और t=0 पे देखो ये P पॉइंट बॉटम पे था यहां पे, और t=t इंस्टेंट पे ये P पॉइंट कुछ यहां पे पहुंच गया, तो कितना एंगल रोटेट हुआ, थीटा। तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर, सही बात है। क्योंकि जो थीटी इस व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठी हुई है, उसको व्हील का केवल प्योर रोटेशनल मोशन नजर आ रहा है ओमेगा कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो थीटा ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो एट t=t इंस्टेंट पे इस P पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास, वो ऐसे कितनी हो जाएगी, R ओमेगा, और R ओमेगा किसके बराबर है, VCM के बराबर, सही बात है। और देखो इटसेल्फ ए सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एट t=t इंस्टेंट पे इस P पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूजिंग रिलेटिव मोशन, वो क्या आएगी,
ऐसे मुझे VCM और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, इस VCM और इस VCM, इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या जाएगा, इस P पॉइंट की वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे, ठीक है। और वो ये आएगी, और वो कितनी होगी, मान लो V, और ऐसे। तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल अल्फा वो कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कितना 90, और ये पूरा एंगल अल्फा मान लिया मैंने, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे इस p पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी v, और ये v किसके बराबर आएगा, VCM का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स अप्लाई करते हुए, प्लस टू इंटू में VCM इंटू में VCM, मतलब VCM स्क्वायर इंटू में कोस अल्फा, कोस 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, तो माइनस साइन तो यहां पे आ गया, और कोस थीटा, ठीक है। तो ये V देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर, 2VCM स्क्वायर हो गया, और यहां पे 2VCM स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2VCM स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 2VCM इंटू में रूट 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और अब देखो कोस थीटा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां से 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 2 और साइन थीटा बाय 2, ठीक है। तो रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 इंटू में साइन थीटा बाय 2, रूट 2 साइन थीटा बाय 2, रूट 2 इंटू में रूट 2, 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड 2VCM साइन थीटा बाय 2, ठीक है, राइट हैंड साइड हो जाएगी 2VCM साइन थीटा बाय 2, 2VCM साइन थीटा बाय 2। और देखो थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के बराबर है, तो थीटा की यहां से ओमेगा टी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो अब देखो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे पी पॉइंट की स्पीड वी वो क्या आ गई, 2VCM साइन ओमेगा टी बाय 2, और स्पीड किसके बराबर होगी, dx बाई डी टी के बराबर, ठीक है। तो यहां से dx कितना आ गया, 2VCM साइन ओमेगा टी बाय में 2 डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा p पॉइंट यहां पे है बॉटम पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है, है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे x 0, और एट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पे मेरा पॉइंट अगेन बॉटम पे पहुंच गया, तो इसका मतलब जब मेरा ये व्हील इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करते करते ऐसा गया है यहां पे पहुंचा है, तो व्हील ने 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है, ठीक है। और कितना टाइम लिया 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने में, ऑब्वियसली 2 पाई बाय ओमेगा, तो इतने में
पी पॉइंट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और यही फाइंड आउट करनी है। तो एट टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा पे या टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट पी, यही पाथ लेंथ हो जाएगी एस जो कि फाइंड आउट करना है। तो देखो एस किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेट कर दो यहां पे 2vcm साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी बाय में 2, ठीक है, और ओमेगा बाय 2 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा बाय में 2 तो 2×2=4 हो जाएगा, ठीक है। और VCM की वैल्यू देखो क्या है, R ओमेगा यहां पे पुट कर दो, R ओमेगा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ठीक है, तो ये कितना आ गया -4R cos ωt/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2π/ओमेगा, तो S कितना आ गया -4R × अपर लिमिट - लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो क्या आएगी, यहाँ पे टी को 2π/ओमेगा पुट करना होगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 तो कोस पाई बचेगा, तो कोस पाई कितना होता है -1 माइनस लोअर लिमिट, तो टी को 0 पुट कर दो तो कोस 0 कितना होगा 1, -1 -1 -2, ठीक है, और -± +, ठीक है, और 4×8R आ गया 8R। ये 8R यही मेरा आंसर हो गया, मतलब जो मेरा ये व्हील है, व्हील का सेंटर ऑफ मास VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और व्हील प्योर रोलिंग करेगा इस ग्राउंड पे, तो ये व्हील कुछ ऐसे घूमता हुआ जाएगा। जो चींटी बैठी हुई है इस व्हील के सेंटर ऑफ मास पे, उस चींटी को क्या लगेगा कि ये व्हील क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो चींटी सेंटर ऑफ मास पे बैठी हुई है उसको व्हील का केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा और सेंटर ऑफ मास केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा VCM कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहां पे व्हील का ये CTRM है, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, ठीक है, और प्योर रोलिंग है इस व्हील की ग्राउंड पे, तो ये जो व्हील ऐसे घूमता हुआ जाएगा प्योर रोलिंग करता हुआ इस ग्राउंड पे, जब व्हील ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया, मतलब पी पॉइंट बॉटम से अगेन बॉटम पे पहुंच गया, तो ऑब्वियसली 2π/ओमेगा टाइम लिया होगा व्हील ने वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने में। तो ऐसे में देखो ये पी मार्क्ड पॉइंट ऑन दिस व्हील, उसने ये ट्रेजेक्ट्री अपनाई है और इस ट्रेजेक्ट्री का नाम है साइक्लोइड। तो जब इस व्हील ने यहां से यहां तक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया है, तो इतने में पी पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी एस, वो फाइंड आउट करना था, और ये कितना आया 8R, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।